विच चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स, एंड तक देख ली वीडियो तुमको समझ आ जाएगा कि रियलिटी ऑफ टेंथ फिजिक्स। तो लेट्स बिगिन। तो पहले 3 यूनिट आर वेरी स्कोरिंग, अगर तुम उसके न्यूमेरिकल 2 बार देख लिया या 3 बार देख लिया, आई गारंटी यू दैट कैन इजिली एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दैट पोर्शन, ठीक है, फुल नोट इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन। तो जो फोर्स है उसके 3 यूनिट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम पार्ट, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बीच में डिफरेंशिएट, इक्विलिब्रियम के कंडीशन, मोमेंट ऑफ फोर्स की कंडीशन, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात रूलर वाले न्यूमेरिकल, 100 मीटर रूलर वाला न्यूमेरिकल। तो यार ये तीनों चैप्टर बहुत स्कोरिंग है यार, फर्स्ट यूनिट, तो इसका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स तक का है यार, 20 मार्क्स और 25 मार्क्स रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो अपन को बताना कमेंट पे, हम कर देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आईसीएसई क्लास 10th के बच्चे यार, सीबीएसई के बहुत कुछ भी यार, ठीक है। और उसके बाद साउंड, भाई साउंड यार बहुत दर्दनाक हो जाएगा, तुम साउंड छोड़ के चले गए, 14 नंबर 12 नंबर 10 से 12 नंबर के बीच में आना ही आना है। पार्ट वन बहुत आसान है, सोनार का प्रिंसिपल या फिर इको कहां से टकरा के उसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, जैसे कि कोई हवाई जहाज है या फिर कोई सैटेलाइट है वो ऊपर गए दोबारा आई, 2D वाला फॉर्मूला बहुत इजी होता है, ठीक है, इको इचो, ठीक है, बढ़िया। तो यार साउंड बहुत स्कोरिंग है यार, यूनिफॉर्म वेव बनाना, कैसे वेव ट्रेवल करता है, सब कुछ बहुत स्कोरिंग है यार, ठीक है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट टू इज वेरी वेरी स्कोरिंग, तुम चाहते हो मैं डिटेल में साउंड पे बनाऊ, मैं बनाऊंगा बिकॉज स्कोरिंग है, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल एक्सप्लेन। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले तुमको बता दूं कि मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे पोस्ट कर चुका हूं, यू मे गो एंड चेक आउट माय चैनल, ठीक है, मेरे वीडियो सेक्शन में जाना और अर्लीस्ट वीडियो में जाना, सबसे पहला वीडियो चैप्टर 3 फिर चैप्टर 1 ऐसे मैंने कवर किया है, ठीक है, चैप्टर 2 भी, और रादर फिर उसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, एक मेरा वीडियो है नोट्स का, वो वाला वीडियो चेक करना, और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का, मेरे इंस्टा पे अपलोडेड है नोट्स, ठीक है, इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इस डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स वाला वीडियो और कॉमन एनर्जी और शुरू का 4 चैप्टर रादर कंप्लीट है वो भी देखना, ठीक है। और फ्रैक्शन पे कोई प्रॉब्लम या फिर साउंड में यू मे टेल आई विल डू, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग में है चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या अल्फा बीटा गामा रेडिएशन रेडियोएक्टिविटी में लोग आ गए, उसका अगर तुम यार प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, या फिर कैलोरीमेट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, कौन सा न्यूमेरिकल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी कौन सा न्यूमेरिकल करना है, या फिर कौन कौन सा थ्योरी पार्ट करना है जिसका सेक्शन ए में आने का चांसेस ज्यादा है, वो सब लेके हम बात करेंगे, तो वी हैव टू कमेंट अस, ठीक है, वो भी हम कर देंगे। और जो उसके बाद यार चीज आती है मैग्नेटिज्म यार चैप्टर या मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक वाला चैप्टर जो सर्किट या करंट इलेक्ट्रिसिटी में अंतर्गत हाउस होल्ड सर्किट कराया चैप्टर, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो तो अपन लोग बता देगा क्या अच्छे चैप्टर्स तुम्हें इंपॉर्टेंट है, कौन सा उनका पोर्शन अदर इम्पॉर्टेंट है जिसके वैसे से जिसके बदौलत वो चीज पढ़ के ही तुम मार्क्स उठा लो, ठीक है। तो एक बार वीडियो को समराइज करते हैं, अच्छा फर्स्ट यूनिट इसमें वर्क पावर एनर्जी फोर्स एंड मशीन आता है बहुत इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स, फिर साउंड 10-12 नंबर, 20 से 25 नंबर रिफ्रैक्शन, और बाकी इन सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस तुम अच्छा इंपॉर्टेंट कर लो और बाकी सब कुछ पढ़ लो तो भाई बहुत बढ़िया। तो यार यही वीडियो था जिसमें मैंने तुम्हें ट्राई किया इंपॉर्टेंट कुछ बताने का, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो इंस्टा पे डीएम करो, नीचे कमेंट करो इंस्टा पे यार, जो भी लोग करते हैं मैं उसका रेडर्स कभी कभी बच्चे स्टूडेंट्स समझ नहीं आता मेरे भाई लोगों को, तो मैं उसको वीडियो कॉल करके भी समझा देता हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड टाइम, थैंक फॉर वॉचिंग।